नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हैदराबाद में हुई दर्दनाक घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। लोकसभा और राज्यसभा में भी मामला गूंज चुका है और खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां गोंडा के गुरु नानक चौराहे पर हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जिला महिला संघ की महिलाओं ने दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को एवं महिला की सुरक्षा में लापरवाही के प्रति आज तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। लाल बहादुर शास्त्री चौराहे पर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं बेटियों ने इकट्ठा होकर अपनी सुरक्षा की आवाज़ उठाई। प्रदर्शन में महिला अधिवक्ताओं का भी एक दल जुड़ा और किसी भी दुष्कर्मी का मुकदमा न लड़ने का फैसला किया। प्रदर्शन में लोगों से अपने घर के पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करने, शराबबंदी करने तथा माँ बहन की गालियों पर रोक लगाने की मांग हुई। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि यह अभियान महिलाओं के अधिकार के लिए है, अतः कोई राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन या विभाग इसका लाभ लेने की कोशिश ना करे। प्राइम न्यूज 24 के लिए गोंडा से प्रदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट।